नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं मेरा शो चाय के साथ आपकी बात। और आज हम पहुंचे हुए हैं बिहार शरीफ, और बिहार शरीफ के बहुत ही जबरदस्त चर्चित शिक्षक सुबोध सर के पास। और जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे रास्ता यहाँ का आने का मालूम तो था नहीं, पहली बार आ रहा हूँ इस क्लास में, तो मैं एक दो विद्यार्थी से पूछा तो दोनों तीनों विद्यार्थी ने, जो भी दो तीन विद्यार्थी वहाँ पर थे, सब एड्रेस बता दिए कि सर इस रास्ते से चले जाइए, आप सुबोध सर के पास पहुँच चुके जाएंगे। इसका मतलब है कि बिहार शरीफ में एक बहुत ही चर्चित शिक्षक के रूप में सुबोध सर हैं। मेरे गांव से भी कौआ कोल से बहुत विद्यार्थी यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, मैट्रिक तक, मैं भी वहाँ इंटर तक पढ़ाता हूँ बच्चों को, लेकिन मैट्रिक के बाद बहुत सारे बच्चे बिहार शरीफ कोई पटना जाते हैं। मैं पूछता हूँ उन बच्चों से कि कहाँ पढ़ रहे हो मैथ, कहाँ पढ़ रहे हो फिजिक्स, तो सर का नाम आता है। तो सर का सबसे पहले हमारे शो में चाय के साथ आपकी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार। बहुत सारे सवाल जवाब करना है आपसे, आपके बारे में कुछ मैंने अपने स्टूडेंट से पता किया है कि बहुत हंसमुख मिजाज के आप हैं और हंसा हंसा के पढ़ाते हैं, तो आज हम आपको कुछ हंसाएंगे, उसके लिए रेडी हैं? हाँ, रेडी। तो चलिए हम सवाल पहला आपसे करते हैं। सबसे पहला आपसे सवाल है कि आपने ये टीचिंग कब शुरू की और किन परिस्थितियों में शुरू की? क्या आर्थिक तंगी व वजह थी या कैरियर के रूप में? टीचिंग स्टार्ट करते 2009, लेकिन आर्थिक स्थिति कुछ ऐसा नहीं था कि ट्यूशन पाएंगे तब कुछ हो पाए, पैसे का कोई दिक्कत नहीं था, पिताजी किसान थे। लेकिन जब हम पढ़ने की उम्र में थे तो जॉब लग गया घर में, तो पैसा 10 के स्थान पर 20 मिलता था मुझे। अच्छा, आप जॉब भी करते हैं? नहीं, जॉब के लिए तो कभी सपना ही नहीं देखे थे। अच्छा, सपना नहीं देखे। बचपन से शौक था कि ट्यूशन मुझे पढ़ाना, पढ़ के मतलब एक कैरियर, एक शौक के रूप में आपने टीचिंग फील्ड को चुना। आज आप बिहार के, बिहार शरीफ के सबसे चर्चित शिक्षकों में एक हैं। फर्स्ट दिन और आज के दिन में क्या अंतर पाते हैं, कैसा फील होता है आज के डेट में? फर्स्ट दिन तो स्टूडेंट ही मतलब स्टार्ट करा दिया था, समझिए। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते गए, जनसंख्या बढ़ते चला गया स्टूडेंट। चलिए, अच्छी बात है। आप मैथ के शिक्षक हैं? यस। किसी व्यक्ति के जीवन में मैथ का क्या महत्व हो सकता है? मैथ देखिए इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है जी, इस पर गहराई से सोचते रहिएगा तो इसमें बहुत इंटरेस्ट आते चला जाता है। फिर भी अगर जीवन में महत्व मैथ का देखें, जैसे साहित्य का एक जीवन में महत्व होता है कि लोगों का वो नैतिकता को आगे बढ़ाता है, तो मैथ का क्या महत्व हो सकता है किसी व्यक्ति के जीवन में, जो व्यक्ति को कुछ बदल सके या उसको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दे सके? देखिए, मैथ से ही पूरा तो साइंस का डेवलप हुआ है जी, तो मैथ जब स्ट्रांग रहता है तो उसको और साइंस पे मजबूत रहता है, जिसके वजह से स्टूडेंट इंजीनियरिंग साइंटिस्ट वगैरह बनने में उसको बहुत योगदान मिलता है जी, इसलिए स्टूडेंट मैथ को चुनता है। आगे भी आपसे कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है रैपिड फायर, उसका जवाब आपको तुरंत देना है। और सबसे पहला रैपिड फायर का मेरा सवाल है, शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। लव मैरिज किए या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। क्यों, कोई प्रपोजल नहीं आया? प्रपोजल नहीं था ऐसा कुछ। कभी ऐसा हुआ कि क्लास लेते समय आपकी पत्नी जी का फोन आया और आपने फोन नहीं उठाया और घर जाकर आपका अलजेब्रा कैलकुलस का क्लास लग गया? कभी कभी होता है। मतलब ऐसा होता है कि फोन, उनको मालूम है कि हम व्यस्त हैं, फिर भी फोन आ जाता है, और क्लास में फोन आते है तो डिस्टर्ब हो जाता है लोग, थोड़ा कि पढ़ाएं की बात करें, और बहुत ज्यादा जरूरी है तो कॉल उठाना, उसमें नाराज हो जाती होंगे वो। हो जाती। तो कैसे फेस करते हैं, कैसे फेस करते हैं उसको? जैसे स्टूडेंट को कैलकुलस समझा देते, ऐसे समझाना पड़ता है कैलकुलस। यहाँ के शिक्षक आप हैं, लेकिन घर में कैलकुलस, अलजेब्रा, वेक्टर की शिक्षक आपकी पत्नी महोदया होगी। मुझे नहीं, तो क्या वहां पर आप चुप होकर अपनी गलती को आभास करते हैं या फिर समझाते हैं, क्या करते हैं वहाँ? स्टूडेंट के परिस्थिति के बारे में बताते थे, समझ जाती है। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है कि आपसे बात करते तो स्टूडेंट तकलीफ मान लेता है।
आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? काजल। काजल राघवानी, काजोल हिंदी फिल्म की या अभी तो पूछे तो हिंदी में या हिंदी हाँ कौन सी मैंने जो भी फेवरेट कोई भी हो सकती है, हिंदी से भी और भोजपुरी से भी। तो काजोल एक हिंदी में है और एक काजल राघवानी भोजपुरी में, तो कौन सी काजोल? हिंदी फिल्म में काजल अजय देवगन की वाइफ। भाई नाराज हो जाएंगे अजय देवगन। अच्छा चलिए, अगर आपको आपके शादी से पहले चक्की पांडे जी की बेटी अनन्या पांडे का प्रपोजल आता कि बिहार शरीफ के सबसे चर्चित शिक्षक हैं आप, अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो क्या प्रपोजल स्वीकार होता उनका? मतलब सर अंदर ही अंदर अनन्या पांडे के प्रति लगाव रखते हैं। चलिए अच्छी बात है। मनपसंद भोजन आपका जो आप बहुत चाव से खाते हैं? सादा बस खाना खाते हैं। फिर भी एक होता है ना कि पनीर मुझे अच्छा लगता है, चिकन अच्छा लगता है, मटन अच्छा लगता है, तो एक कोई डिश का नाम बताएं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, जिसको आप तीनों टाइम अगर मिले तो खाना पसंद करेंगे। चना का सब्जी। स्टूडेंट लाइफ में एक सबसे प्रिय भोजन है जिसको हम लोग बोलते हैं DBC, ये आप खाए हैं? मतलब दाल भात चोखा नहीं खाए हैं? टिफिन लगता था। अच्छा टिफिन लगता था। दाल भात चोखा का क्या एहसास है आप लोगों भाई? अगर गरम गरम चावल दाल अगर चोखा मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन डिश है क्या? चलिए एक डायलॉग है हिंदी फिल्म की है, उसको आपको बोलना है और अंदर आत्मा से बोलना है। इस दुनिया में दौलत पैदा करना बड़ा आसान है, मैं आपको पेपर दे दूंगा देख के भी बोल सकते हैं। इस दुनिया में दौलत पैदा करना बड़ा आसान है, मगर किसी के दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। भरे सावन में रेगिस्तान लगता है, अरे ये मेरा घर तो सिर्फ मकान लगता है। आप इसको देख के बोल सकते हैं, ये डायलॉग है। यहां है सर। इस दुनिया में दौलत बनाना बड़ा आसान है, इस दुनिया में दौलत पैदा करना आसान है, मगर किसी के दिल में जगह बनाना मुश्किल है। ठीक। भरे सावन में रेगिस्तान लगता है। अरे मेरा घर सिर्फ मकान लगता है। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सर। ये रैपिड सवाल था कुछ आपसे, आगे भी कुछ और शिक्षा से जुड़ी हुई सवाल आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले शो हमारा है चाय के साथ आपकी बात, तो एक एक बार हम लोग पहले चाय पी लेते हैं, वरना ऑडियंस कहेगी कि सर सिर्फ बात करते हैं चाय तो पीते नहीं है। सर एक एक बार चाय हो जाए। आगे सवाल है आपसे,